हेलो हेलो, एक ऐसी शख्सियत यहाँ हमारे बीच तशरीफ लाई है जो भगवान से सिद्ध अमल्य है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है। वहाँ मैं आपसे मेरे दोस्त छोटा भाई आरिफ मदद करने के लिए आपके बीच में आए हैं। पहले इनसे अस्सलाम वालेकुम, चंद मिनट आपके लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ आपको इमरान भाई को सुनना है और आपको बहुत जरूरी बातें करना है। दोस्तों और साथियों, जहाँ मुल्क को नफरत की आंधी बह रही है और वहीं मुल्क को हमको उसी जगह ले जाना है। हम लोगों ने हमेशा नफरत के खिलाफ और अमन के लिए लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। मैं इमरान मसूद साहब के लिए इसलिए आया कि मध्य प्रदेश से आप लोग वाकिफ होंगे, अगर वहाँ के इलाकों में आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि आरिफ मसूद 15 साल भारतीय जनता पार्टी के दमन के खिलाफ सबसे पहले जहाँ जुर्म हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में पहुँचने वाला शख्स भी था। और जब मेरी टिकट की लड़ाई चली और कांग्रेस ने मुझे चाहा कि मैं चुनाव लड़के विधानसभा पहुंचूं, तो सारी जमातें अकलियत की एक बुलंद आवाज़ को रोकने के लिए जिस तरह आज यहाँ मुतहिद हो रही है इमरान मसूद के लिए, इसी तरह मेरे लिए मुतहिद सही और उस मुतहिद होने में मुझे रोकने के लिए, परेशान करने के लिए हर तरह से पूरे मध्य प्रदेश के तमाम मजलूमों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। उस वक्त एक शख्स ने साथ दिया जिसका नाम था इमरान मसूद। इसने अड़कर राहुल गांधी से कहा कि आरिफ मसूद को टिकट तो ये जीतकर विधानसभा में जाओ। और जिस बार गया तो आपके बीच ये बताना चाहता हूँ आपके शहर के लोगों कि जब मजलूमों के खिलाफ लड़ने वाले शख्स को बुलंद होता है तो वो ईमानदार होता है। और इमरान भाई ने अगर मेरे लिए कोशिश करी तो मध्य प्रदेश के अंदर मेरी अपनी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार के अंदर रासू का 8 लोगों के ऊपर मुसलमान बेगुनाहों पर गाय के नाम पर हमारे कलेक्टरों ने लगाई। जिस दिन लगाई इमरान मसूद ने मुझे फोन करा, कहा अरे भी क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने कहा आप फिक्र मत करो, कल तक बदलाव आएगा। और मैंने अपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री जी को फोन पे कहा कि कमलनाथ जी ये रासू का वापिस हो जाएगी तो आरिफ मसूद एक मिनट आपके साथ नहीं चल पाएगा। और आज 8 वो लोग बेगुनाह वापिस जेलों से रिहा होकर भोपाल और मध्य प्रदेश में घूम रहे, ये मध्य प्रदेश के अंदर जाकर आप पता कर लीजिए। तो अगर इमरान मसूद ने एक नेता पैदा किया तो इमरान मसूद सहारनपुर की क्या आवाज होगी, इसका फैसला आपको करना है। पूरा मुल्क देगा, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की ताकत हमारी है। हम आपको यकीन दिला देना चाहते हैं कि ये योगी और मोदी जैसे को हम साफ कर देंगे, जिस दिन घुटने रखेंगे इनकी चीख बुला देंगे। सिर्फ आप हमें एक बार और ताकत दीजिए, आपने इमरान को बनाया है, ये इमरान मसूद आपकी ताकत है, आपका सरमाया है, इसको संभाल लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी हमसे डायरेक्ट नहीं जीत सकती है, जब भी जीतेगी हमें मुंतशिर करके जीतेगी। सिर्फ ये वक्त मुतहिद हो जाइए, जैसे पहले थोड़ी कसक हुई थी, मैं भी पिछला चुनाव बहुत कम वोटों से भोपाल से हारा था। और दूसरी बात, जब मिल्लत ने ये देख लिया कि 5 साल उसके बाद लड़ता रहा तो यकीन मानिए मुझे 18,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2 लाख से ज्यादा इमरान भाई को ऊपर वोटों से एक बार पार्लियामेंट में भेजिए, आपको मजा आया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो लोग कहते रहते हैं एक बोलता है, जैसे इमरान मसूद पार्लियामेंट में बोलेगा तो मोदी जैसो के छक्के छूट जाएंगे। ये आपने यहाँ भी देखा है, आपसे ये दरखास्त है से बचिए। और अपने जो लोग मुख्तलिफ इधर उधर पट रहे हैं, मेहरबानी करके जिम्मेदारी को आप संभालिए, ये इमरान मसूद का काम नहीं है, ये हमारी और आपकी हमारी जिम्मेदारी है। तारीख लिखने जा रहे हैं हम, उस सफात के पन्नों पर आज हम खड़े हैं जिस सफात में मुल्क की एक तस्वीर नफरत वाली है, एक कोट से वाली विचारधारा है और एक तरफ गांधी वाली है और अमन वाली तस्वीर है। आज इमरान के लिए जो इमरान मसूद पार्लियामेंट के अंदर चीखेगा और आपकी आवाज हिंदुस्तान में जानी और पहचानी जाएगी। और जो लोग बीच में वोट काटने आ गए, मेहरबानी करके उनको समझाने का काम करो, उन्हें जानता कौन है, सहारनपुर से बाहर कोई नहीं जानता। इमरान मसूद का नाम तो हिंदुस्तान में जहाँ ले दोगे तो चीख चीख कर सब लोग कहेंगे हम इमरान मसूद के चाहने वाले हैं। सहारनपुर वालों जितना आप चाहते हो दाना से दे सकता हूँ। जिस दिन इमरान मसूद भोपाल जाएगा तो आपको भोपाल की तस्वीर भेजूंगा, एक जन सेना भी नेता को लेने अगर भोपाल।
क्योंकि आज हमारे अभी जलसे बाकी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा तो बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अब तो माहौल साफ हो गया है, लड़ाई बिल्कुल साफ है। भाजपा और हमारे बीच में लड़ाई है, और इसीलिए मोदी भी और योगी भी ना बात किसान की कर रहे हैं, ना बात नौजवान की कर रहे हैं, वो तो नाम सिर्फ इमरान 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 कर रहे हैं, इसके अलावा कोई। साथियों, ये लड़ाई साफ है, साथियों लड़ाई साफ है। आज लड़ाई इंशाल्लाह हम 2 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। आज की रैली मायावती जी और अखिलेश जी की रैली थी, क्या हुआ रैली में? रैली के अंदर मुसलमान नहीं आया, माया जी का मूड खराब हो गया, माया जी की हकीकत सामने आ गई, वो भाजपा को भूल गई, वो भाजपा को भूल गई और कांग्रेस पे चालू हो गई। बहन जी, लड़ाई भाजपा से है कि कांग्रेस से, ये तो बता दो। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हो क्या? जो बार बार बयान दे रही थी, आज भी कहा, और आपसे भी कह रहा हूँ, कैसा प्रत्याशी? एक वीडियो आया है, जरा देख लीजिएगा कि आपके प्रत्याशी जी नाम के पीछे लगाया हाजी करने का मकाम है, पैर छू करके सियासत करेंगे। इमरान मसूद ऐसी सियासत को ठोकर में मार के बाहर निकाल देगा, तुम्हें पैर छूने वालों चाहिए। कौन था कभी ने जिताने का काम? मुझे तो हरा दिया था आपने, जिताया था ना इनको, और क्या कह रहे थे 15 जनवरी को? मुझे तो धक्के से हरा दिया जी, धक्के से हरा दिया जी। अरे धक्के से हारने वाला चाहिए, धक्का देकर जीतने वाला चाहिए। तो साथ लो, इसलिए कहने के लिए आया हूँ, इसलिए कहने के लिए आया हूँ कि लड़ाई आई, अगर कमजोर करना चाहते हो, योगी ने इमरान मसूद की रिश्तेदारी बताई, जिसे सारी दुनिया जानती है, ये उसकी रिश्तेदारी बताने की जरूरत कर सकते हैं। कल किस गली के अंदर रायवाला की रहने वाले किसी बच्चे की रिश्तेदारी या दोस्ती कश्मीर के किसी आतंकवादी के साथ बता करके उठा कर ले जाए, तो कमजोर आवाज नहीं बोल पाएगी, मजबूत आवाज ही बोल पाएगी। मजबूत आवाज को तो बात हो गई, और मुझे हरा करके क्या मिलना है? मुझे हरा के आपको क्या मिल जाएगा? मेरे पास ताकत है तो आपके पास ताकत।